महागठबंधन ने तीन कृषि बिलों के खिलाफ 30 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत समस्तीपुर जिले में भी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ समस्तीपुर शहर में बनाई गई मानव श्रृंखला में महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रोसड़ा में भी महागठबंधन के समर्थकों और वर्करों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। इस मौके पर आरजेडी के नेता राजेश यादव ने मोदी सरकार पर आनन फानन में तीन कृषि कानून संसद से पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इन कानूनों में किसानों के हक हकूक की अनदेखी की गई है, इसलिए इन कानूनों को फौरन वापस ले लेना चाहिए। हम लोगों का मांग है, अभी जो किसान विरोधी सरकार की नीति हुई है, ये कोरोना का ढोंग दिखा के और विधेयक ला किसान विरोधी काम कर लिया, बिल पास कर लिया, जिसके कारण किसान जो है अभी मरने को मजबूर हैं, उनके सामान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, भंडारण की आई दिखा के किसानों को तंग किया जा रहा है। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है भारत, और किसानों का जब ये हाल है, किसानों की स्थिति बड़ी बदतर हो कर दिया गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो चोरी चुपके से रात के अंधेरे में जो बदलाव किया है, जो किसान विरोधी काला कानून पास किया है, उस समर्थन को वापस ले, किसान के हित की बात करे। और जब तक किसान के हित की बात नहीं करती है, तब तक हमारा महागठबंधन, हमारा सरकार भाजपा के विरोध में काम करती रहेगी, जब तक ये वापस नहीं लेता है, मेरा यही कहना है। वहीं आरजेडी नेता सत्याविंद पासवान ने कहा कि तीनों कृषि कानून से कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होगा, जबकि किसानों को नुकसान होगा। पासवान ने कहा कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को लाठी के बल पर खत्म करवाना चाहती है। सत्ता के समर्थन में हम तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला इसलिए बनाए हैं कि केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता किसानों के साथ जास्ती किया है, तीन काला कानून पास किया है, उस काला कानून को रद्द करने के लिए हम अन्नदाता किसान के समर्थन में हम तमाम लोग महागठबंधन के सभी लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं। किसानों के साथ हो रही अत्याचार, किसानों के साथ अब दिल्ली में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, हर एक जगह पंजाब में देख रहे हैं, किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, पानी का बौछार बिछाया जा रहा है, किसान कितने किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा भी माननीय प्रधानमंत्री को किसान के प्रति दया धर्म का नाम का चीज़ नहीं है। जिस तरह का कानून पास किया है वह किसानों की फायदा और हक की बात नहीं है, वह कॉरपोरेट घराना का और जो पूंजीपति लोग हैं उसको उससे फायदा होगा। किसान जो है मरमराहट की स्थिति में है, इसलिए महागठबंधन के नेता लोगों का निर्णय और महागठबंधन के कार्यकर्ता रोड पर मानव श्रृंखला बनाए किसान के समर्थन। महागठबंधन ने मानव श्रृंखला के जरिए किसान आंदोलन को बिहार के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार में किसान आंदोलन की दशा या दिशा क्या होगी, इस पर सत्ता पक्ष की नज़र बनी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।